ये हमारा क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट इक्वेशन, मीन्स क्या कि सी पी माइनस जो होता है सी बी इक्वल टू आर वाला रिलेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे होगा, जैसे कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो द स्पेसिफिक हीट जो हमारा है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज गिवेन बाई, क्या दिया हुआ रहता है, सी पी इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी और सफिक्स में पी होता है, इक्वल टू क्या, टी डेल एस बाई डेल टी और इसका सफिक्स में पी। ये इक्वेशन वन हो गया, क्यों, क्योंकि जो डेल क्यू जो होता है इक्वल टू टी डेल एस होता है, ठीक है। देन एंड द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज गिवेन बाई, ये वॉल्यूम के लिए है, वो प्रेशर के लिए था, ये वॉल्यूम के लिए है। देन ये हमारा वॉल्यूम के लिए क्वेश्चन टू हो गया। नाउ इफ द एंट्रोपी एस इज रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी एंड सिंस डी एस इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, देन फिर क्या हो जाएगा, डी एस ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ये हमारा फोर मिलेगा। बट जानते हैं फ्रॉम मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन वी हैव, क्या हो जाएगा, सेकेंड रिलेशन से क्या कि डेल एस बाई डेल वी सफिक्स में टी इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी सफिक्स में वी होता है इक्वेशन फाइव। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन फोर से हमें ये मिलेगा, देन ये हमारा इक्वेशन सिक्स हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू को यूज़ करके फॉर अ परफेक्ट गैस के लिए क्या होगा, द इक्वेशन स्टेट इज क्या हो जाएगा, से पी वी इक्वल टू आर टी, ठीक है। देन ये हमारा फॉर्मेट होगा, देन हैंस इक्वेशन सिक्स बिकम्स क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी आर बाई बी आर आर बाई पी और सी पी माइनस सी वी होता है इक्वल टू टी आर स्क्वायर और डिवाइड में बी पी। सो इसी से हो जाएगा क्या कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ इक्वेशन।